हज के ख्वाहिशमंद इस सूरे की तिलावत करें। इमाम जाफरे सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, जो शख्स हर 3 दिन में सूरे हज की तिलावत करे तो अभी 1 साल गुजरा ही नहीं होगा कि वो बैतुल्ला की तरफ निकल पड़ेगा। अगर वो अपने सफर में मर गया तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैंने अर्ज की, अगर उसका ताल्लुक अहले ईमान से ना हो तब भी? आप अलैहि सलाम ने फरमाया, इस सूरत में उसको बाज मामलात में आसानी होगी। इमाम अलैहि सलाम पर वाजिब है। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर लोग हज करना छोड़ दें तो इमाम अलैहि सलाम पर वाजिब हो जाता है कि वो लोगों को हज की अदायगी पर मजबूर करे, ख्वाह वो इसे पसंद करे या ना करे, क्योंकि ये घर बनाया ही हज के लिए गया है। आसमानी बिजली से हिफाजत करने वाला सूरा। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से सूरह अल रद की तिलावत करे तो अल्लाह ताला इस तक आसमानी बिजली को नहीं पहुंचने देगा, अगर चाहो नाज भी ही क्यों ना हो, और अगर वो मोमिन है तो अल्लाह ताला इसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और अगर वो अपने खानदान और जान पहचान वाले लोगों की शफाअत करेगा तो इसकी शफाअत कबूल होगी। शैतान की चीख। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, इबलीस मलून ने 4 मर्तबा चीख मारी जब इस पर लानत की गई, जब हजरत आदम अलैहि सलाम को जमीन पर भेजा गया, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस में रिसालत हुए, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। शहरे कूफा में इबादत का अजर व सवाब। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, कूफा में 1 दिरहम खर्च करना इसके अलावा दीगर जगहों में खर्च करने से 100 गुना ज्यादा सवाब का हामिल है, और कूफा में अदा की गई 2 रकत नमाज 100 रकत के बराबर शुमार होती है। मोहब्बत से गले मिलने का सवाब। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, 2 मोमिन जब 1 दूसरे से गले मिलते हैं तो अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है, बशर्तिया वो खुदा की खुशी के लिए मिलते हो, तो उनसे कहा जाता है, अब तुम अपने अमल को नए सिरे से शुरू करो। 70,000 फरिश्ते किसका इस्तकबाल करते हैं? इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, जब कोई मोमिन दूसरे मोमिन भाई से सिर्फ रजा इलाही की खातिर ज्यारत व मुलाकात करे तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को इसके इस्तकबाल के लिए भेजता है, और ये फरिश्ते इस मोमिन को ये खुशखबरी देते हैं कि तुम पाक व पाकीजा हो गए हो, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत को वाजिब करार दे दिया है। मोमिन को मुस्कुराकर देखने का सवाब। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, जो शख्स अपने मोमिन भाई के सामने मुस्कुराए इसके लिए 1 नेकी है। खाना खाने से पहले। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम से मनकूल है, जो मुसलमान खाना खाए और लुकमा उठाते वक्त ये अल्फाज कहे, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो लुकमा उसके मुंह में पहुंचने से पहले खुदाए ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा। आयत अल कुर्सी पढ़ने की फजीलत। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, जो शख्स 1 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह ताला इससे 1,000 दुनिया की और 1,000 आखिरत की परेशानियां दूर कर देता है। फिर फरमाया, दुनिया की परेशानियों में से फुकर वो गुर्बत है जिससे अल्लाह ताला निजात अता करता है, और आखिरत की परेशानियों में अजाब कबर है कि जिससे अल्लाह ताला
महफूज रखता है। पुख्ता इरादे की अहमियत। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, बदन ज़हीफ नहीं होता जब काम को अंजाम देने का इरादा पुख्ता हो। जन्नतियों की निशानियां। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, अहले जन्नत की चार निशानियां हैं, मुस्कुराता चेहरा, नर्म जबान, रहम करने वाला दिल, अता करने वाला हाथ। वालदेन को गुस्सा से ना देखें। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, ना फरमानी में यह भी दाखिल है कि कोई शख्स अपने वालदेन को गुस्से में घूर कर देखे। पहाड़ों से भी ज्यादा वजनी गुनाह। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, किसी पाक दामन मोमिन पर तोहमत लगाना मुस्तहकिम पहाड़ों से भी ज्यादा संगीन व भारी है। रोजे कयामत तारिकी का सबब। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म रोजे कयामत की तारिकी है। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, मोमिन का कमाल तीन खसलतों में है, दीन के मसाइल व अहकाम से आगाही, सख्तियों और मुश्किलात में सबर व बुर्दबारी, जिंदगी के मामलात में मंसूबा बंदी और हिसाब व किताब की पाबंदी। जाहिर इमाम हुसैन अलैहि सलाम के लिए फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहि सलाम की कब्र पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो गब्बार आलूदा और गमजदा हालत में कयामत तक रोते रहेंगे और इनके पास वो नमाज अदा करेंगे। इनमें से एक की नमाज 1,000 आदमियों की नमाज के बराबर होगी और इन नमाजों का अजर व सवाब इमाम हुसैन अलैहि सलाम की कब्र की ज्यारत करने वालों के लिए होगा। कातिला ने इमाम हुसैन अलैहि सलाम पर लानत भेजने वाला परिंदा। दाऊद इब्ने फरकत से मनकूल है कि मैं इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के घर में आप अलैहि सलाम के साथ मौजूद था। मैंने कबूतर देखा जो बहुत बोलता था और अपनी आवाज को बार बार दोहराता था और देर तक इसे दोहराता रहा। आप अलैहि सलाम ने फरमाया, ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि ये परिंदा क्या कहता है? मैंने कहा, मैं आप अलैहि सलाम पे कुर्बान जाऊं, मैं नहीं जानता। आप अलैहि सलाम ने फरमाया, ये इमाम हुसैन अलैहि सलाम के कातिलों पर लानत भेज रहा है और बददुआ कर रहा है, इसे तुम अपने घरों में रखा करो। वक्त से पहले मर जाने का तरीका। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, लोग अपनी जिंदगियों के जरिए जीते हैं और अपनी अजल के जरिए मरने से ज्यादा अपने गुनाहों की वजह से मरते हैं। लोगों का मजाक उड़ाने का एक नुकसान। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, जो शख्स लोगों का मजाक उड़ाता है उसे सच्ची मोहब्बत का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। शौहर की खिदमत का सिला। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, शौहर को पिलाए जाने वाले हर एक घूंट पानी के औज अल्लाह ताला बहशत के अंदर एक घर बना कर देगा। इंसानी अजमत को जाहिर करने वाली तीन चीजें। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने तीन चीजों को दुनिया व आखिरत दोनों में बुजुर्गी व करामत की अलामत व निशानी करार देते हुए फरमाया। तीन चीजें इंसान की करामत व बुजुर्गी पर दिलादत करती हैं। बेहतरीन इखलाक से पेश आना, गुस्सा को पी जाना, आंखों को ना महरम से बचाना।